नमस्कार, सबलाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राहत अली खान आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन इतने लंबे समय से चलने के बाद किसान आंदोलन में कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे जो किसान आंदोलन को उग्र बनाना चाह रहे थे और उसे बदनाम करना चाह रहे थे। इसमें से सब में ज़्यादा टॉप एक नाम आता है, दीप सिद्धू। जो कि दीप सिद्धू का अगर आप बैकग्राउंड देखें, उनका प्रोफाइल देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, फिल्म स्टार सनी देओल के जो के प्रचार में वो लगातार बने थे, आपने उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी देखी होगी। दीप सिद्धू वही दीप सिद्धू जो विदेश से फेसबुक लाइव हैंडल कर रहे थे और वो फेसबुक पे एक चीज़ लगातार पोस्ट कर रहे थे कि अगर मैं अगर उग्र हूँ, मैं अगर दहशत फैलाने का काम कर रहा हूँ किसान आंदोलन में, तो वो किसान नेता भी उग्र हैं। गौरतलब बात ये होगी कि 26 जनवरी के दिन लाल किले पे जो झंडा फहराया गया, उसमें सबसे ज़्यादा जो जिस इसको रैली को जो पहल कर रहे थे किसान आंदोलन की, सिर्फ दीप सिद्धू सबसे आगे थे। दीप सिद्धू ने ही सबसे पहले लाल किले के ऊपर चढ़ के वहाँ पर झंडा फहराया। जैसा कि आप जानते हैं कि लाल किले पे सिर्फ तिरंगा झंडा ही फहराया जा सकता है, धार्मिक कोई नहीं। फिर सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पे, उनके पीछे इस काम को करने की मंशा क्या थी जो वो लाल किले पे चढ़े और उन्होंने अपना झंडा फहराया और वहीं से किसान आंदोलन उग्र हो गया, किसान आंदोलन पूरी तरह से बदनाम हो गया। दो बुज़ुर्ग व्यक्ति ने जो कि किसान आंदोलन में थे, किसान थे, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया दीप सिद्धू को कि ऐसा मत करो, किसान आंदोलन बदनाम हो जाएगा, हम जैसे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं वैसे ही करने दो। लेकिन दीप सिद्धू नहीं माने, उनका मनसा तो कुछ और था, किसान आंदोलन को बदनाम करना था, और वो उस पे चढ़े और अपना झंडा फहराया। उसके बाद किसान आंदोलन पूरी तरह से उग्र हो गया, कई लोगों की जान भी चली गई, एक व्यक्ति की ट्रैक्टर पलटी और उसमें जान चली गई, और भी जाने की संभावना थी, लेकिन खैर उतने से ही बला टली। दिल्ली पुलिस की आपने अगर वीडियो देखी होगी तो दिल्ली पुलिस जो कि तिरंगे झंडे पर लगातार लाठी बरसा रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन से संविधान में, कौन से कानून में है कि अपने ही देश के झंडे के ऊपर लाठी बरसाई जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल सरकार के अंदर में। तो क्या आपको लगता है कि ये जो दीप सिद्धू ने जो किया है, दीप सिद्धू के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको बताते चलें कि अगर दीप सिद्धू की बजाय कोई कांग्रेस के नेता होते हैं, या तो उनकी ये जो गोदी मीडिया बैठी हुई है, ये बड़ी बड़ी मीडिया इसको बड़े बड़े तरीके से उछालती और उसको नफ़रत का रंग देके करती कि कांग्रेस की ये चाल है और कांग्रेस की पार्टी ने ऐसा आके किया है, इसको उग्र है, ये उग्रवादी है, ना जाने क्या क्या शब्द अपशब्द उनको कहा जाता। लेकिन अभी तो गोदी मीडिया पूरी तरह से शांत है, क्योंकि वो बीजेपी की पार्टी से दीप सिद्धू मिला हुआ है, बीजेपी के प्रचार में रहता है, वो तो बिल्कुल बीजेपी है और उन्होंने ऐसा किया भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबलाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पेट्रोल डीजल कमी करा, फायदा पूर्जा खाली करा, पेट्रोल डीजल कमी करा, फायदा पूर्जा खाली करा। अरे वारे मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा खेल, गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है, गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है। मोदी तेरा खेल।